दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्रोम ब्राउजर के गंदे गंदे नोटिफिकेशंस को कैसे बंद किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इन नोटिफिकेशन की वजह से कई बार हमें शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके मोबाइल पे जो है वो क्रोम ब्राउजर के गंदे गंदे नोटिफिकेशन आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ज़्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं हेल्प की दुनिया। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह मेरे पास ओप्पो का फोन है और यहाँ पर मैं इसका नोटिफिकेशन पैनल ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कितने सारे मैसेज डले हुए हैं और यह सभी मैसेज ज़्यादातर जो है वो क्रोम ब्राउजर के ही हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर अभी ज़्यादा बेकार मैसेज नहीं है, लेकिन इससे भी बेकार बेकार और गंदे गंदे नोटिफिकेशन जो है वो आते रहते हैं नोटिफिकेशन पैनल में। तो फ्रेंड्स यह सब नोटिफिकेशन कैसे बंद होते हैं यह मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और फ्रेंड्स यह नोटिफिकेशन जो है वो कहीं ना कहीं हमारी गलती से ही हमारे पास आते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम क्रोम ब्राउजर को यूज करते हैं और उसमें किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं। वेबसाइट को ओपन करने के बाद यदि उसमें पॉपअप ऐड है तो हम किसी थर्ड पार्टी या रॉन्ग वेबसाइट पे जो है वो पहुंच जाते हैं और वहां पर नोटिफिकेशन को जो है वो अलाउ कर देते हैं, इसलिए नोटिफिकेशन जो है वो आने लगते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आप लोगों को दो तरीके बताऊंगा नोटिफिकेशन बंद करने के। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें अपने मोबाइल की सेटिंग को जो है वो ओपन करना होता है। तो चलिए सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। सेटिंग को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपको नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन जो है वो सर्च करना है और इस मोबाइल में आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर ही नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा मैनेज नोटिफिकेशन का। मैनेज नोटिफिकेशन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहां पर हमारे मोबाइल में जितने सारे एप्लीकेशन होंगे वो सभी हमारे सामने आ जाएंगे। यहां पर हम क्रोम ब्राउजर के नोटिफिकेशन को जो है वो बंद करना चाहते हैं तो हम क्रोम ब्राउजर को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहां पर आप देख रहे हैं अलाउ नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, इसे हमें ऑफ कर देना है। जैसे ही हम इसे ऑफ करेंगे हमारे मोबाइल में क्रोम ब्राउजर के जो भी नोटिफिकेशन आते हैं वो सभी नोटिफिकेशन बंद हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ऐसे में क्या होता है कि कई बार हम किसी अच्छी वेबसाइट्स को, अपनी काम की वेबसाइट्स को जो है वो सब्सक्राइब किए होते हैं, उसके नोटिफिकेशन को अलाउ किए होते हैं तो उसके नोटिफिकेशन भी नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ से क्रोम ब्राउजर के सभी नोटिफिकेशन बंद हो जाते हैं। यदि फ्रेंड्स आप केवल वही थर्ड पार्टी नोटिफिकेशन जो है वो गंदे गंदे नोटिफिकेशन है उन्हें बंद करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स दूसरे तरीके से आप जो है वो बंद कर सकते हैं। चलिए मैं आपको वो दूसरा तरीका बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इसे ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद अब हमें जो है वो क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होगा, तो चलिए हम फटाक से क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। फ्रेंड्स ओपन करने के बाद यहाँ आप देख रहे हैं बहुत सारे टैब्स जो है वो ओपन हैं और यह सभी जो है वो पॉपअप विंडो वाले ही पेज जो है वो खुले हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे पेज आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमें करना क्या है, हमें क्रोम ब्राउजर के यहाँ पर यह अपडेट का ऑप्शन बना हुआ है, क्योंकि क्रोम ब्राउजर अभी अपडेट नहीं है तो इस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर अब आप देख रहे हैं थ्री डॉट्स आ गए हैं, जैसे ही हमने अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो थ्री डॉट्स आ चुके हैं। थ्री डॉट्स पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स हमें नीचे आना है सेटिंग में। यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। सेटिंग पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको नीचे की ओर चले आना है और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर साइड सेटिंग का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर आना है। यहां पर आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको वहां पे भी बताया था, इस वाले ऑप्शन को आप जैसे ही बंद करेंगे तो सभी नोटिफिकेशन जो है वो ऑफ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको गंदे नोटिफिकेशन जो है वो बंद करना है, जो भी साइट्स के नोटिफिकेशन अलाउ हो गए हैं उन्हें जो है वो यहाँ से डिसेबल करना है। उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ साइट ब्लॉकेड हैं और यहाँ पर कुछ साइट्स जो है वो अलाउड हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये साइट्स जो हैं वो अलाउड हैं और इन्हीं के नोटिफिकेशन जो हैं वो हमारे सामने आते हैं। तो फ्रेंड्स हमें करना क्या है, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स नीचे क्लियर एंड रीसेट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे फ्रेंड्स नोटिफिकेशन जो है वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से ये साइट ही चली जाती है तो जाहिर सी बात है नोटिफिकेशन तो अपने आप ही बंद हो जाएंगे। नहीं तो सीधा सा ऑप्शन आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन का मिल जाएगा, इसे आपको ऑफ कर देना है। इसे ऑफ करेंगे तो सभी नोटिफिकेशन जो है वो बंद हो जाते हैं, जो साइट्स के नोटिफिकेशन होते हैं, जो वेबसाइट्स के नोटिफिकेशन होते हैं वो सभी यहाँ से बंद हो जाते हैं और उन्हीं में जो है वो गंदे गंदे नोटिफिकेशन होते हैं थर्ड पार्टी वेबसाइट्स के, तो वो भी बंद हो जाते हैं। इस प्रकार से आप जो है वो बड़ी आसानी से नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं क्रोम ब्राउजर के। और फ्रेंड्स नीचे जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर जो भी साइट्स हैं उन सभी साइट्स को आपको क्लिक करके क्लियर एंड रीसेट कर देना है। जैसे आप सभी साइट्स यहाँ पे कर देंगे तो नोटिफिकेशन जो है वो साइट्स के आने बंद हो जाएंगे, नहीं तो आप ऊपर वाला जो ऑप्शन मैंने यहाँ पर बताया इसको ऑफ कर दें तो भी नोटिफिकेशन बंद हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड्स चलता हूँ, फिर मिलूंगा अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।